50 50 में 48 जनस्वास्थ्य रक्षक बहाली पर अभी जितने भी हजारों की संख्या में हमारे जनस्वास्थ्य रक्षक ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन के प्रयासों के बाद परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर बद्री निदेशक डॉक्टर बद्री विशाल जी और संयुक्त निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी शासन की तरफ से मौके पर बातचीत करने के लिए आए थे। बातचीत जो है जो जिन बिंदुओं पर जो उनके स्तर के थे सकारात्मक रही है, और जो जटिल बिंदु है और हायर लेवल के बिंदु है उसमें चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार साहब से हमारी 2:30 बजे की बातचीत का कार्यक्रम लगा है और बातचीत के लिए हम लोग प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं। जो भी बातचीत हुआ होगी निष्कर्ष होगा उसके बारे में बताएंगे। इसमें अब विभिन्न जिलों की जो रिपोर्ट है ग्राउंड की, वो रिपोर्ट एक एक करके परिवार कल्याण महानिदेशालय और शासन को आई हुई भी आएंगे। अब हमारा ये निवेदन है, इस निवेदन को लेकर बहुत सारे हजारों लोग राजधानी लखनऊ में हजारों जन स्वास्थ्य रक्षक पहुंच चुके हैं। जैसा कि ज्ञात है कि 25 दिसंबर को हापुड़ जिले से ये निवेदन मार्च हजारों जन स्वास्थ्य रक्षकों का पैदल मार्च निकला था। अब राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित रिसोवा गेस्ट हाउस में तमाम हजारों जन स्वास्थ्य रक्षक यहाँ मौजूद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो जन स्वास्थ्य रक्षक है वो मौजूद हैं। अभी यहाँ पर प्रशासन से इनको आश्वासन मिला है कि जल्द ही इनकी जो मांग है बहाली की वो पूरी की जाएगी। अनुज जी, आज क्या वार्ता हुई आपसे? जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली के मामले में निर्णायक शासकीय कार्रवाई पूरी करते हुए उसमें कैबिनेट स्वीकृति उपरांत उसमें शासकीय अधिसूचना जारी कराई जाए, इस मामले को लेकर हम 25 दिसंबर से ब्रजघाट गंगा तट हापुड़ जिले से निकले थे और आज 20 दिन की यात्रा करने के बाद यहाँ पर पहुँचे। हमारी मांगों को संजीदगी के साथ लेते हुए यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सरकार और हमारे बीच में एक सेतु का काम किया और आज ही पहले दौर की बातचीत में परिवार कल्याण महानिदेशालय के जो निदेशक परिवार कल्याण थे डॉक्टर बद्री विशाल जी और संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण हमारे इसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी पहले दौर की बातचीत के लिए आए। तमाम बिंदुओं पर उनसे विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद फिर शासन के जो मुख्य अधिकारी है उनके सामने दोपहर में वार्ता का कार्यक्रम लगा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सचिव पंकज कुमार साहब जो इस राज्य के नेशनल हेल्थ मिशन के भी चीफ हैं, उनके साथ निर्णायक बातचीत शासन और सरकार की तरफ से लगी और उस बातचीत में तकरीबन 35 मिनट की चर्चा के दौरान सचिव महोदय ने इस प्रकरण से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर तमाम पहलुओं पर हमारी बात को हमारे सुझाव को और करंट स्टेटस पर विभागीय अधिकारियों से जो कुछ भी उनका फीडबैक है वो एक एक करके लिया और अपनी पत्रावली पर उसको टिप्पणी के रूप में दर्ज किया। उसमें 3 बिंदुओं पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण सरकार और शासन की तरफ से दिया। 1 के जन स्वास्थ्य रक्षकों के कैडर के नए सिरे से निर्माण के प्रश्न पर सरकार शासन और परिवार कल्याण महानिदेशालय में कोई असहमति नहीं है, बल्कि सबके सब इस कैडर के निर्माण के प्रति सहमत हैं, कृतज्ञ वो वचनबद्ध हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अंतर विभागीय स्तर पर इसमें जो बजटरी प्रोविजन्स हैं, वित्त निर्धारण है, उसमें कहां से कैसे कैसे बजट का प्रावधान किया जा सकता है, नेशनल हेल्थ मिशन से, परिवार कल्याण या चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से या दूसरी मदों से, उसमें अंतर विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है
कि बजट के प्रोविजंस पे कहां कहां से क्या क्या चीजें तय हो सकती हैं, राजकांश कैसे तय होगा और भारत सरकार से इसमें कैसे क्या अंश लिया जाएगा। तीसरी बात स्पष्ट की कि जो ग्राउंड सर्वे जिलों में किया गया उस ग्राउंड सर्वे में केवल 18 जिलों की अभी तक रिपोर्टें प्राप्त हुई है, जिसमें 13 जिलों की रिपोर्ट ठीक थी, 5 जिलों की रिपोर्ट उसके अनुरूप नहीं थी, उसको अस्वीकृत करके वापस किया गया है और नए ढंग से उसको संशोधित करके रिपोर्ट मंगाई गई है और उस कुछ जिम्मेदारी हम पर भी उन्होंने ला दी है कि आप जो है फील्ड में खड़े होकर के उन पर दबाव बना के जल्द से जल्द अगले एक सप्ताह के भीतर भीतर वे रिपोर्टें वहाँ भिजवाइए। इसके लिए शासन की तरफ से, महानिदेशालय की तरफ से एक रिमाइंडर भी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अगले 2 दिन के भीतर जारी किया जाना है कि उसमें अविलंब रिपोर्ट भेज दी जाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही लगभग 50% के करीब रिपोर्ट हमको प्राप्त हो जाएंगी, हम अपना अंतिम ड्राफ्ट तैयार करके उस संबंध में जो भी प्रावधान है योजना के नए के उसका ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की टेबल पर रख देंगे उसके निर्णय के लिए और जल्द से जल्द उसका निर्णय कराया जाएगा। मनोज जी, एक सवाल है आपसे, क्या जो आपने इतना कड़ा कठोर निर्णय लिया था निवेदन मार्च का, पैदल मार्च 450 किलोमीटर का, कितना असर पड़ा है सरकार के ऊपर? आप मुख्यमंत्री आवास जाने की बात आज यहाँ पर हुई थी कि मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहाँ पर ज्ञापन देंगे, तो कितना असर पड़ा उसके उसका? इस निवेदन मार्च का जो एक अहिंसक अभियान था, जिसको मैं आंदोलन नहीं करूँगा और न ही मैं इसको संघर्ष करूँगा, क्योंकि सरकार ऑलरेडी इस प्रकरण पर आगे बढ़ रही थी, सिलसिलेवार एक एक कार्रवाई एक एक स्टेप उठाया जा रहा था चरणबद्ध तरीके से। हम इस निवेदन मार्च को लेकर तो अब सरकार जो आखिरी उसमें कार्रवाई करनी है शासकीय लेवल पर, वो आखिरी कार्रवाई को जल्द से जल्द चुनाव से पहले पूरा करे। और मैं समझता हूँ कि हम जिस अभियान को लेकर निकले थे, एक दबाव सरकार और शासन के अधिकारियों पर आया, जिन अधिकारियों को हमने पहले थोड़ा सा इस मामले को हल्के में लेते हुए देखा था कई दौर की बातचीत में, आज उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ बहुत गंभीरता पूर्वक और उसी हिसाब से बातचीत की जिस हिसाब से किसी भी एक बड़े मामले में कोई निर्णय ऐतिहासिक रूप से लिया जाता है और कोई सार्थक और सकारात्मक रूप से लिया जाता है। निवेदन मार्च के साथ जो हजारों जन स्वास्थ्य रक्षक लखनऊ पहुंचे हैं, लखनऊ पहुंचने के साथ ही हजारों जन स्वास्थ्य रक्षकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। यहाँ पर शासन से वार्ता हुई है, शासन से वार्ता में एक बात निकलकर सामने आई कि जल्द ही इनकी बहाली सुनिश्चित होने की आशा है। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।